रहे हैं कि मोदी जी को रावण कहना गुजरात का अपमान है। कैसे कैसे गुजरात का अपमान है? अगर मोदी जी को रावण कहना गुजरात का अपमान है तो मोदी जी को देश का बाप कहना किसका अपमान है? जब मुझे समझा दीजिए तो बोलिए। और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं, जो बलात्कारियों को संस्कारी कहते हो वो भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। कहते हैं ना, जिनका घर शीशे का हो उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। बहुत खूब। तमाम जो है गुंडागर्दी की भाषा करने वाले लोग आज भाजपा में शामिल हैं। मैंने एक बार राहुल जी से पूछा यात्रा के दौरान कि लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो बोले कचरा साफ हो रहा है। बोले कचरा साफ नहीं होगा ना, लड़ने वाले लोगों के लिए जगह कैसे बनेगा? और बडगाम आकर के ये उदाहरण मुझे बिल्कुल सटीक दिखाई देती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, जो लोग लोभी हैं, जो डरपोक हैं, आज वो सब लोग सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत खो चुके हैं। इसीलिए वो सत्ता के सामने सच नहीं बोलते हैं, सत्ता के सामने सर झुकाते हैं। आपको ये तय करना है कि बडगाम के लोगों ने सत्ता का साथ नहीं दिया था, सच का साथ दिया था। अगर आपने सच का साथ दिया है तो ये सिर्फ आपके लिए हिम्मत और बहादुरी की बात नहीं है, ये पूरे गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए हिम्मत और बहादुरी की बात है। आप ये सोचिए कि जो लोग गद्दारी करके, बेईमानी करके इतिहास में जो दौर है लड़ने का, इस इम्तिहान की इस घड़ी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, वो चुनाव जीत जाएं, और जो लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सच के लिए, जमहूरियत के लिए, आजाद देश में आजादी के ख्यालात को बचाने के लिए, लोगों के बराबरी के अधिकार के लिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हार जाएं, तो पूरे देश में क्या संदेश आ जाएगा? मैं जब आया तो मुझे कल मंच पे बोला आपका हार्दिक स्वागत है। हम बोले सिर्फ स्वागत कीजिए, सिर्फ स्वागत कीजिए। तो आप भी विचार कीजिए। इसीलिए इस बार जिम्मेवारी और चुनौती दोनों ज्यादा बड़ी है। जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है कि अब ये अपक्ष नहीं है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और गुजरात के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। चुनौती इसलिए बड़ी है कि साम दाम दंड भेद लगा दिया गया है। पिछली बार की तैयारियों और चूकों से मोटा भाई सीख लिया है। इसीलिए लड़ाई अब सिर्फ आमने सामने नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एड, ए से लेकर के जेड तक सब व्यवस्था कर दी गई है। तो जब सामने में इतनी बड़ी तैयारी चल रही हो तो सिर्फ एक्टिविस्ट अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये आज भी एक्टिविस्ट ही हैं। इसी के चलते ये राजनीति में जो बहुत सारी चीजें होती हैं उससे अलग होते हैं, और ये एक तरीके से एक लिहाज से अच्छा भी है, लेकिन चुनाव के नजरिए से ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी होता है। जैसे पहले जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो ये चुनाव नहीं लड़े, इनके बदले आप लोगों ने लड़ा। आप में से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बता देंगे कि जिग्नेश की सभा के लिए हमने खाने का इंतजाम किया, हमने दावत की व्यवस्था की, हम गाड़ी लाए, हम डीजल भरवाए, हम पोलिंग एजेंट बने, हम लोगों को घर से ला करके वोट करवाए। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? और इस बार हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि अब तो एमएलए हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, अब तो इनको कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये आज भी वैसे ही हैं, और वैसे अगर नहीं होते तो सत्ता के सामने आंख में आंख डाल करके सवाल नहीं पूछ पाते। कहते हैं
ईमानदारी से लड़ता वही है जिसको कुछ खोने के लिए नहीं होता है। अगर इनके पास कुछ है खोने के लिए तो वो आप लोग हैं, आपका आशीर्वाद है और आपकी दुआएं हैं। इसीलिए आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए अगर कहीं भी है कि ये अब एमएलए हो गए और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। मैंने पूछा, अब तो भाई एमएलए हो गए हो, कार ले लिए हो? बोला कहां भाई, लिफ्ट लेकर के चलते हैं। तो मुझे लगा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। फिर मैंने सिपाही जी से पूछा, इसके साथ जो गार्ड रहता है, क्या गार्ड साहब, पूछे थे ना आपसे कि कार है? बोला नहीं सर, कभी ऑटो पे चल लेते हैं, कभी बाइक पे बैठ लेते हैं, कभी किसी का कार मिल जाता है उस पर लिफ्ट ले लेते हैं। तो ये जिग्नेश आज भी लड़ने वाला व्यक्ति है। और जैसा उसने कहा, मने गुजराती नथी आड़ते, पर इतनी गुजराती मुझे समझ में आती है कि इसने आपको कहा कि राहुल द्रविड़ की तरह टिक करके पिच पे खेल रहे हैं, एकाध शॉट इधर उधर लग गया होगा। तो जो यह बात स्वीकार कर रहा है कि तजुर्बे की बात होती है ना, अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। तो कई सारी ऐसे चीजें होती हैं जिससे किसी किसी को तकलीफ हो जाए, नाराजगी हो जाए, लेकिन तकलीफ और नाराजगी इतनी बड़ी तो नहीं होगी कि सच को हरा दें और झूठ को जिता दें, न्याय को हरा दें और अन्याय को जिता दें, इतनी बड़ी तो नाराजगी नहीं है ना। और सामने से खड़ा होकर के, अरे क्या है हम लोगों की उम्र क्या है, आपके घर में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं आपके बच्चे की उम्र है ना, लेकिन आपकी दुआ से और आपके आशीर्वाद से इतना हिम्मत है कि 27 साल की सत्ती सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, इनके आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहे हैं और इनको कहते हैं कि है हिम्मत, है हिम्मत तो हमारी जुबान बंद करके दिखा दो, है हिम्मत दिखाओ तुम्हारी जेल में कितनी जगह है, जेल की एक एक दीवार को हम अपने लड़ाई की कदमों से भर देंगे। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि तुम्हारी दौलत की खनक के सामने हमारी आवाज की ऊंचाई नहीं दबने वाली है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि तुम सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि यह देश और गुजरात हमारे लिए आज भी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। इस बात को याद रखना, तुम्हारे इस झूठ और लूट के मॉडल का हम पर्दाफाश करेंगे, सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। इस बात को याद रखना। इसीलिए यह जो संघर्ष का रास्ता है इसके डगर बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बड़ी ऊंच नीच है इसमें, लेकिन आपका तजुर्बा अगर हमारे साथ है, नौजवानों का साथ है हमारे पास, महिलाओं का दुआ और आशीर्वाद है, बच्चों का प्यार हमारे साथ है, तो याद रखिएगा यह न्याय का जंग है, ये जंग हम जरूर जीतेंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए गलती सही अपनी जगह पे है लेकिन हमारी लड़ाई में ईमानदारी है। इसीलिए हमको इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर कुछ गलती हुई है, भूल चूक हुई है तो खड़ा होकर के माफी मांग लेंगे, लेकिन जो लड़ाई चल रही है इस देश में वो सोच की लड़ाई है। और गुजरात में दो तरह की सोच है और दो तरह का वोट है। एक सोच वो है जो ये मानता है कि यह देश सबका है, यह देश जितना टोपी लगाने वाले का है उतना ही तिलक लगाने वाले का है, जितना महिला का है उतना ही पुरुष का है। एक सोच वो है जो कहता है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और एक सोच वो है जो इंसान को उसके पहचान के आधार पर लड़ाता है, उनके बीच में नफरत फैलाता है, समाज को बांटता है। एक सोच वो है, एक सोच वो है जो झूठ बोलता है और एक सोच वो है जो सच पे खड़ा है। एक मॉडल वो है कि मौलवी में एक घटना होती है और मौलवी का जो सबसे जिम्मेदार है कंपनी का मालिक, जो चोर है उसको भगा दिया जाता है, चौकीदार को जेल में डाल दिया जाता है। एक सोच वो है कि लाल बहादुर शास्त्री इस देश के रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना हुई, नैतिक जिम्मेवारी लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक सोच वो है, हम राजनीति में आपकी दुआ से कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं, पीएचडी किए हैं, और ये जनाब जो आपके बीच में बैठे हुए हैं ये भी पेशे से लॉयर हैं,
इन्होंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई की है, अगर चाहते तो सरकार की दलाली करके अहमदाबाद में बिल्डिंगें पीट रहे होते, दिन भर मोदी मोदी कर रहे होते। कैरियर बनाने के लिए जब नहीं आए हैं तो एक सोच के साथ आए हैं, और वो सोच ये है, यह देश सबका है, और सबका मतलब सबका, सबका मतलब वो मोदी जी का नहीं, सबका साथ सबका विकास। एक तरफ कहेंगे सबका साथ सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री नारा लगाएंगे सबका साथ सबका विकास, और देश का गृह मंत्री गुजरात चुनाव में जाकर के एक जो है बात बोलेगा, एक ऐसी भाषा बोलेगा, समाज में डर और नफरत फैलाने का काम करेगा, सबक सिखाने की बात करेगा। दो में से एक ही बात सच हो सकती है ना, या तो प्रधानमंत्री ठीक है या गृह मंत्री ठीक है, या दोनों ने जो है मिल करके ये तय किया है कि हम बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, और तुम जाकर के आपस में लड़ाना लोगों को, आपस में डराना लोगों को। आप मुझे बताइए, एक ही बात सच हो सकती है ना, या तो प्रधानमंत्री कहें कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, अगर परिवारवाद के खिलाफ है तो उनका ही गृह मंत्री अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बनाया है। आज हमारे सामने इस चुनाव के दौरान ये समझने की जरूरत है कि हमारे मुद्दों को गायब कैसे कर दिया गया है, कैसे ये सवाल राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिया गया है कि गुजरात में सबसे महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, सबसे ज्यादा प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, 400 का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि मैं 2-3 किलो गाली खाता हूं। अरे आप गाली खा करके पेट भर लेते हैं, आप बताइए कि हम थाली कैसे खाएं? 200 रुपए किलो नींबू मिलेगा तो कैसे खाना खाएगा इंसान? तब समझ में आता था कि जब वो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, पूरा देश जो है अपने दोस्तों के हाथ में बेच दूंगा, यही हो रहा है ना। और जो इसके खिलाफ बोलता है उसको पहले डराते हैं, डरता नहीं है तो खरीदने की कोशिश करते हैं, बिकता नहीं है तब झूठे मुकदमे लगा करके ईमानदार लोगों को जेल में बंद करके आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले, इसीलिए ये गंभीर समय है, और इस गंभीर समय में जितनी गुजराती मुझे समझ में आई है, जिग्नेश ने शायद आप लोगों को यह कहा है कि यह प्रयोग करने का वक्त नहीं है। जब युद्ध चल रहा हो और आप बॉर्डर पे खड़े हो तब ये फैसला लेकर के डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन सी बंदूक से कौन सी गोली निकलेगी, अब हाथ में जो है उससे ही लड़ो। तो ये प्रयोग करने का वक्त इसलिए नहीं है कि मैं सीधी से एक बात आपको कह देता हूं, जो गद्दारी करके गया है अगर वो चुनाव जीत गया, और जो ईमानदारी से लड़ रहा है, जिसके लिए चुनाव और एमएलए बनना कैरियर नहीं है, सच की आवाज बुलंद करना उसके लिए जरूरी है, अगर वो चुनाव हार गया तो याद रखिएगा आने वाले लंबे समय तक सत्ता के सामने कोई लड़ने का हिम्मत नहीं करेगा। इसीलिए लड़ने वाली आवाजों को दुआ देना, समर्थन करना, उसको आशीर्वाद देना, उसके साथ खड़ा होना जरूरी होता है कि आने वाली पीढ़ी जब पूछे कि जब इतना बड़ा जुल्म देश में हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो आप कह सकें कि बेटा हम लड़ने वाले का पीठ थपथपा रहे थे, उसके साथ खड़े होकर के लड़ रहे थे। इसीलिए मैं आपसे यह अपील करने के लिए आया हूं कि विधायक तो आपने बना दिया लेकिन ये फैशनेबल विधायक नहीं है, इसने राज्यसभा चुनाव के दौरान 15 करोड़ में अपना वोट नहीं बेचा है, इसीलिए आज भी आपको ये चुनाव वैसे ही लड़ना होगा, और आपको लड़ना होगा जैसे आपने 2017 में लड़ा था। लड़ेंगे, तैयार हैं? नहीं नहीं, आवाज धीरे आ रही है, समर्थन कीजिए, समर्थन कीजिए तो मन से कीजिए, मोहब्बत कीजिए तो दिल से कीजिए, फिर ऐसा कीजिए कि दौलत की खनक से उसको खरीदा ना जा सके। इसीलिए 2017 से ज्यादा बड़ी चुनौती अगर इस बार है
तो 2017 से ज्यादा मेहनत भी इस बार लगेगी। इस बात की उम्मीद नहीं करना है, बाद में इसका फैसला कर लेंगे कि 5 साल में क्या हुआ। जिग्नेश ने जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया उससे कितना ऑक्सीजन निकला इसका चर्चा बाद में कर लेंगे। मुक्तेश्वर डैम से जो पानी आया वो कितने गांव में पहुंचा इसका फैसला बाद में कर लेंगे। जिग्नेश ने पीए ने कितना बार फोन उठाया और कितना बार फोन नहीं उठाया इसका चर्चा हम बाद में कर लेंगे। आज ये तय करना जरूरी है कि अगर 2017 से ज्यादा बड़ी चुनौती है तो 2022 में उससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी ये उम्मीद नहीं करना है कि विधायक की तरफ से कौन आ रहा है, क्योंकि विधायक तो आप ही का है ना। मैंने आपको कहा कि आप लोग अगर नहीं होते ना तो ये निर्दलीय से कांग्रेस पार्टी का खेस नहीं पहनता। ये बडगाम की जनता के चलते संभव हुआ है कि आप लोगों ने हमको हिम्मत दिया है और आपके हिम्मत के चलते हम ये फैसला ले पाए हैं कि हमको राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश को बचाने की लड़ाई लड़नी है। हमको एक टीम की तरह काम करना है। इसीलिए जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मैं भारत यात्री हूं, फिर भी मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि हमारी भावनाएं आपके साथ हैं और हम आपसे हिम्मत लेकर के जाना चाहते हैं। कल को जब हम भारत जोड़ो यात्रा में लौटे तो हम अपने एक एक यात्रियों को बता सकें कि घबराइए नहीं, बडगाम का चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं, जिग्नेश नहीं, बल्कि बडगाम की जनता लड़ रही है, यह बात मैं उनको बता सकता हूं। बोलिए, ये बात मैं कहने की हालत में हूं कि नहीं हूं? प्रधानमंत्री की तरह झूठा मत साबित कीजिएगा। ईमान और सच्चाई की बात है, अगर आप ये चुनाव अपने चुनाव की तरह लड़ना चाहते हैं तो अभी से चुनाव आखिरी वक्त में जो सबसे मुश्किल चीज होती है उसकी तैयारी करना पड़ेगा। एक एक घर से एक एक मतदाता को बिल्कुल उत्सव की तरह, किसी जलसे की तरह तैयारी करके जाना है और एक एक वोट जाकर के गिराना है। खुद का वोट गिराना है, दूसरे का वोट गिरवाना है, मतदान केंद्र पर लोगों को ले जाने की व्यवस्था करनी है, पोलिंग एजेंट बनाना है, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा भी हूं और चुनाव हारा भी हूं। इसीलिए मुझे मालूम है कि तमाम प्रचार प्रसार के बावजूद आखिरी वक्त में क्या होता है। ईवीएम भी है ना भाई साहब, ईवीएम भी है। इसीलिए आप ये जान लीजिए, जहां ये लगता है कि यह वोट हमारे फेवर में नहीं है, पता नहीं किस टेक्नोलॉजी से स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो कितना भी स्लो हो जाए, लाइन इतनी लंबी कर देनी है ना कि एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। पूरी तैयारी कीजिए, तमाम लोग एकजुट होइए, मोहल्लों में मीटिंग कीजिए। और मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं, दोस्त खाली फेसबुक लाइव करने से काम नहीं चलेगा, खाली इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा। एक एक वोट की गिनती करके वोट गिरवाना पड़ेगा। और आप अगर ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आप जान लीजिए कि आप सिर्फ बडगाम में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे देश को एक संदेशा देंगे कि सच आज भी जीतता है, बस जिताने वाला होना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि झूठ की सत्ता हारेगी और सच जीतेगा, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय गुजरात।